क्या हिसाब चल रहा है? 40-35 रुपए ये सारे तकरीबन 40, मतलब बीच में एक 30 दे रहा था, 30 कैसे बेच रहे हैं वो सर? जो सिंध का ही है, पंजाब का है, मेड इन पंजाब, मेड इन सिंध, कहीं लिखा हुआ है इसके ऊपर? बोल तरबूज पंजाब का ही है। ये भी खूब है नाजिन के तरबूज पंजाब का सिंध का है, या क्या शनाख्त कर सकते हो पंजाब का तरबूज या सिंध का? हमें मुझे पता ही नहीं है, पंजाब का है, पंजाब का ही है, बेहतरीन है। क्या शनाख्त क्या है? ये भारी भी है, गोल भी है। सिंध का क्या होता है? सिंध का लंबा होता है, ये है ना, ये लंबा है, ये सिंध का लग सकता है, ये पंजाब का है। अच्छा, पंजाब का जो होता है वो गोल होता है और सिंध का वाला लंबा होता है। चलो जी, एक बहुत अच्छी बात कही है और मेरा ख्याल है कि लोगों को इसका शनाख्त का अंदाजा हो जाए। तो पंजाब का तरबूज ज्यादा अच्छा होता है क्या? पंजाब का बेहतरीन है, जबरदस्त मीठा होता है, मीठा होता है। और सिंध का नहीं होता? सिंध का भी मीठा होता है, मगर वो खास बात। और गोल जो होता है, गोल गोल जो होता है वही होता है पंजाब। तो ये अभी बेच रहे हो या शुरू रमजान से 40 रुपए का चल रहा है? नहीं जी, अभी आया, शुरू हुआ पंजाब का, 40 रुपए बेच रहे हैं। पंजाब और सिंध को छोड़, मैं कह रहा हूँ तरबूज जो है शुरू रमजान से 40 रुपए बिक रहा है, अभी बिक रहा है? शुरू से 40 रुपए बिक रहा है। काट के देते हो? चल हाँ जी, काट के। ठीक है, ये तो सही है, काट के। तो ये होता है, अगर बात ये कि अगर ये सफ़ेद निकल जाए तो वो इसके जिम्मे आ जाता है, तो ये नुकसान वाली बात है। और मैं समझता हूँ कि चले तरबूज ही सबसे ज़्यादा इस वक्त मार्केट के अंदर है। और ये केले, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, भजन खैरियत से हो? लगा करम। क्या सब चल रहे? 120 कौन सा, 100 कौन सा? बस यही है, 120 किसी को जो 120 बेचते हैं, 100 बेचते हैं। तो अभी कहते हैं, अभी तो पब्लिक आ रही है, कितने के दोगे भाई? 120 बताते हैं, किसी को 120, किसी को 100। 120 रुपये, 110 दे दो, 100 रुपये दे दो, 100 रुपये का। बिस्मिल्लाह करो यार, बिस्मिल्लाह। तुम्हें अबे भाई, तुम सही लगाओगे तो लूँगा ना। अरे क्या, 200 रुपये खत्म हो गया। सही है, 113। मंडी मंडी में महंगा है बेटा, मंडी में महंगा है, मंडी में महंगा केला, केला मंडी में महंगा है। ये बात दोस्त को जो ये दे रहा है 100 रुपये में, बिल्कुल सही दे रहा है, इसलिए मंडी में केला महंगा है। फैसला सर, मैं कह रहा हूँ 100 रुपये है, मान लो मेरी बात, मान लो मेरा, मैं कभी बात नहीं कर रहा हूँ, बात ये है कि अगर ये 100 रुपये दे रहा है, मुनासिब दे रहा है, मुनासिब दे रहा है जी, क्या कहेंगे इस इलाके में? ये गरीब मुतवस्सित तबके की इलाका है, या हर चीज़ यहाँ पे सस्ती है इस इलाके में। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी ख़ास तौर पे हमें सस्ती देते हैं रोज़ाना, क्योंकि हम 12 महीने के गाहक हैं, बरसात ही नहीं है। तो मतलब ये कि इन इलाकों में महंगाई इतना ज़्यादा नहीं है? नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। चिकन वगैरह क्या सब चल रहा है? तो अरे मुर्गी के पर लगे हुए, हाथ नहीं आ रही। चलो जी, ठीक है बेटा, बहुत बहुत सही है, 100 रुपये सही बेच रहा है वो। और रेट महंगी हुई भी है मुर्गी की, सस्ती नहीं होगी। मतलब वो 450 रुपये में सही बेच रहा है? बेचना जाहिर है, अल्लाह ताला आप तौफीक दे के आप इस्तेमाल करें, आप रोज़ा हमारे साथ खोलिएगा। बिस्मिल्लाह। चलें जी, हम थोड़ा सा वापस की तरफ चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये महंगाई इस वक्त इतना मुझे नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या ले लिया? बस क्या ले लिया, जो बजट में आएगा वही लूँगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, और क्या कर रहा हूँ। लेकिन पिछले साल के मुकाबले में महंगाई, फ्रूट के रेट इतने ज़्यादा नहीं है? नहीं, 150-150 भी बिक रहा है केला। नहीं, ये इसका फल नहीं है, ये पीछे से मतलब कि इसका जो आपका फसल है ना, वो अभी पकी नहीं है, ये आपका आप समझे 1 से 2 महीने के बाद ये फिर फसल आएगी केले की। केला महंगा है मंडी में, ये बात तो दुरुस्त है, और वो अभी 100 रुपये दर्जन दे रहा है, 100 रुपये दर्जन दे रहा है, मेरे समझता मुनासिब दे रहा है। आपकी बात बड़ी करते हैं। देखिए, मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी को बताने। ठीक है, 40 रुपये ये दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है, 20 रुपये भी बिक रहा है, 40 रुपये बिक रहा है, वो ठीक, ओके, आपको काट के देता है, अगर ख़राब निकला तो इसका हो गया। 30 रुपये में इसी से लिया मैंने। कैसा दिया? 30 रुपये से, पर लेने की क्वालिटी होनी चाहिए। महंगा लाया हुआ तो महंगा बेच रहा है, 30 में दे देते हैं, 30 रुपये काट के देता है यार, अगर ख़राब निकला तो वो उसका हो जाता है। हाँ, काट के देते हैं, 30 रुपये नहीं, सही मिल रहा है, तरबूज अच्छा आया हुआ है पिछले साल के मुकाबले में, इस साल फ्रूट के मेरे ज्यादा नहीं, अच्छा आया हुआ है, खरबूजा अच्छा आया हुआ है। केले महंगा है, केले ना 100 रुपए किलो चल रहा है, 100 से 150 किलो, 100 रुपए दे रहे हैं फसल की वजह से। हाँ, बड़ी मस्त है खरबूजे में, बाकी 2 आइटम सस्ते होने से महंगाई पता है, सस्ता ही नहीं हो सकती, महंगाई तो वही से वही चल रही है। अगर तरबूज समझते हैं कि इतना ज्यादा महंगा नहीं है, अब अगर तरबूज आप बोलते हैं कि इस साल फ्रूट सही है वैसे, फ्रूट महंगा महंगा। हम आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि और क्या सूरत हाल है। बात यह है कि सिंपल सी बात यह है कि हमारा मकसद ये है कि किसी भी इलाके में जाके ये देखना कि कराची शहर के तकरीबन एक वसी रकबा है कराची शहर का, और उसमें हज़ारों मार्केटें हैं। अब उस हज़ारों मार्केटों में हम मुस्तकिल तो जा नहीं सकते, लेकिन हम ऑन द स्पॉट प्रोग्राम
पूरे साल हम इसको नशर करते हैं और आज हम ये दस्तगीर में खड़े हैं और इस दस्तगीर के प्रोग्राम में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये गरीब मुतवसित तबके की आबादी है, ये दस्तगीर नंबर 9 है। यहाँ पर तमाम चीज़ें यहाँ फरोख्त हो रही हैं, अशिया ज़रूरी है कि जिसमें कि चिकन के गोश्त भी है, ज़्यादा फ्रूट है, चूँकि रमज़ान मुबारक में फ्रूट पर सबसे ज़्यादा जो है वो प्रेशर होता है, तो इसी फ्रूट के रेट की प्रेशर की वजह से जो है हम यहाँ पर जो है मौजूद हैं और हम ये देख रहे हैं कि एक तकाबलू जायज़ा कि शहर के दीगर इलाकों के मुकाबले में यहाँ की क्या सूरत है। मज़ीद आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र करें। क्या साहब दे रहे हैं? 100 रुपये। ये 60 रुपये। 100 रुपये सही दे रहा है? केला मार्केट में मंडी में भी नहीं है, 100 रुपये ज़्यादा सही दे रहा है। इसलिए 100 रुपये, अगर इसका ईमान हो तो 80। खरीद है, 100 रुपये बेच रहा हूँ। ईमानदारी की बात है ना, 80 रुपये दे रहे हैं मंडी में। चले वैसे 100 रुपये का तो वैसे नॉर्मल है, चले लोग तो कह रहे हैं तू बेच रहा है 120 रुपये। नहीं सर, मैं तो 120 रुपये, कोई भी कस्टमर आके मुझसे पूछे या आपके बता दे आपको कि ये 120 बेच रहा है, मेरा 60 रुपये भी कर देने के बाद। जी, केले पे सबसे ज़्यादा भर, और केला जो है इस वक्त मार्केट में कम है और मंडी में भी जो है केला की तादाद जो है वो कम है, जिसकी वजह से जो है वो सारी चीज़ें महंगी हो रही है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खरबूजे तो अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। तुम्हारी तरह खूबसूरत नजर आ रहा है, क्या चला रहे? 50। अभी एक पब्लिक ने कहा तुम यहाँ 60 दे रहे थे। नहीं नहीं, 50 ही बेच रहे हैं, सुबह से 50 ही बेच रहे हैं। बात है जी जी, और ये सरकार का नर्फ वगैरह लिस्ट वगैरह नहीं होती सर? वो आए नहीं आज, आज ही नहीं आया, वरना अमूमन आता है। जी जी, अच्छा पता देगा मैं आ रहा हूँ आज। जी सर, चले। ये सब नाजिन बहानेबाजियाँ हैं, सरकार के नर्फ ये रखेंगे तो आवाम को क्या बताएंगे कि कैसा चल रहा है? नेचुरली ये सिर्फ एक बहाना होता है कि लिस्ट वाला आज नहीं आया, कल आया था, लेकिन मेहनती नहीं, ये खुद लिस्ट नहीं लेते। लेकिन बहरहाल आवाम भी जो है सरकार का नर्फ जो है वो तलब नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम, आपकी दुकान है ये? जी। समोसे वगैरह क्या सब चल रहे हैं? समोसे 180 रुपये दर्जन। कितना का बड़ा? 15 रुपये का। ये सरकार का रेट है या सरकार का रेट? सरकार का रेट। चला रहे हैं आप सबको ये? अच्छा, ये रेट माहे रमजान मुबारक के लिए या आम तौर पे? ये पूरा साल यही रेट है, रेट वही है, पुराना रेट है ये पूरा साल ही। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, समोसे ले रहे हैं? समोसे ले रहे हैं? रेट किया आपने, किसको कम कर दो जी। लोग नाजिन यहाँ मौजूद है और आप ये देख रहे हैं कि 15 रुपये का समोसा बिक रहा है। यहाँ पर कोई भी ये नहीं पूछ रहा कि समोसा 15 रुपये का क्यों बेच रहे हैं, आप इसमें कमी करें। लेकिन अगर केले वाला, खरबूजा वाला, तरबूज वाला चीज़ें बेचता है तो हम ये कहते हैं कि महंगा बेच रहा है, इसको बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन यहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं है, यहाँ जो फिक्स रेट है 15 का वही 15 है बिक रहा है। तो ये तमाम चीज़ें, चले हम आगे चलते हैं। क्या ले रहे हैं? समोसे। समोसे क्या से क्या दे रहा है? क्या हिसाब है भाई? 15 रुपये का। 15 रुपये, 15 रुपये आप समोसे के जो 15 रुपये ले रहे हैं, बार्गेनिंग नहीं कर रहे, लेकिन केले को सब्जियों के रेट पे आप बार्गेनिंग करते हैं। ये 15 रुपये का तो वहाँ महंगाई नहीं होती, यहाँ महंगाई नहीं है, ये नॉर्मल है 15 रुपये का। केला है वो जी जी, आवाम का दोहरा में आ रहा है कि केले वाला अगर 100 रुपये दर्जन बेचेगा तो उससे बार्गेनिंग कराएंगे, मिठाई या दीगर चीज़ें जितने भी आप उसको बेचेंगे तो वहाँ बार्गेनिंग नहीं होती। तो सवाल ही पैदा होता है कि अगर 15 रुपये का समोसा बिक रहा है तो यहाँ पर आवाम को लाइन लगा के खरीद रही है। ये है तमाम सूरतहाल जो मैं आपको कैमरे की आंख से दिखा रहा हूँ। क्या साहब है? मेरा 120 और 150। 120 और 150। अच्छा,
वो सरकार का एक नर्ख आता है, वो आप लोगों के पास होता है? वो होता है, वो जब आता है तो वो दे के चला जाता, नहीं तो आता ही नहीं है। केले की क्वालिटी तो अच्छी है? केले की क्वालिटी अच्छी बेचता हूँ मैं, लेकिन हमें सस्ता मिले तो हम सस्ता बेचें। 200 दर्जन केला बेचें 100 की जगह। 100 रुपये कौन सा है? 100 रुपये ये वाला है छोटा वाला। 120 रुपये बता रहे हैं? 120 और 150 ये वाला है, 150 और 120 ये वाला है। ये 150 120 रुपये वाला जी? और वो वाले महंगे हैं, और भी महंगे हैं वो। 150 रुपये 150 रुपये ये 120 रुपये 200 रुपये 200 रुपये बोल रहा था आपको देख के, 150 रुपये बोल रहा। किलो 150 में दे रहा हूँ मैं ये वाला, सब ये वाला कोई सा भी लो, सब 150 है। ये भी 150 है, 120 का तो हमें पड़ रहा है। ये केला लो 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 केला लो, क्यों रखा है आप? ले लो, आप ले लो ना, खरीदो। अरे जिसने लेना लो, लेना नहीं लेना नहीं लो। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मिलेगा हम 100 का बेचेंगे। केला वैसे मंडी में नहीं है, ये बात तो तय है, ये बात तो मुझे पता है। केला तो जनाब बहुत महंगा केला है, मुझे पता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी फिर भी देख ले, 5-10 रुपए कम कर सकता है लोगों को, तो ये नेकी है। ये नहीं, ये बिल्कुल आपकी राइट है, ये बात मानने वाली बात है। देखो हम ये नहीं कह सकते कि आप 5-10 रुपए कम बेचोगे आपको नेकी होगी। 120 रुपए जायज है अभी? ये 120 जायज नहीं है अभी, अभी कैसे जायज नहीं है? 110 तक सही है। क्यों? अभी आगे देखा था 300 रुपए बेच रहा, 300 रुपए डजन बेच रहा। तो जब जब लेकिन बात ये है कि मंडी में केला कम है, सर है ही नहीं केला मार्केट में। केले की क्वालिटी अच्छी है, ये जितने क्वालिटी है ना, प्राइस अगर हो ना सब लेंगे, कोई ज्यादा रेट होगा तो कोई नहीं, सब साथ ज्यादा रेट होगा कोई नहीं लेगा केले, अगर रेट सही रखे, मैंने रेट सही रखे। अच्छा दूसरी बात ये है कि केले नहीं खाएंगे तो रोजा फिर भी रहेगा, सही बात है। ये तो बात ये बड़ी अच्छी बात है कि 3 दिन आदमी नादा करते तो मौत नहीं आ जाएगी, कि रोजा नहीं रखा जाएगा, नहीं खा जाएगा, फ्रूट चाट नहीं खाएंगे। बातें करवा लें उल्टी सीधी, अपना अपना मामला करवा लो। बेटरवन ऑन द स्पॉट की टीम के हमारा हम मौजूद थे 10 सितंबर 2009 में, और हमारा मकसद ये था कि यहाँ पर जो माह रमजान मुबारक में एक आम रेट जो होता है बंदे को जो मिलता है, वो किस हिसाब से हम जायज़ा ले रहे थे। आज मेरे साथ मजिस्ट्रेट नहीं है, हम मजिस्ट्रेट के अलावा जो हम देखना चाह रहे थे कि फ्रूट्स के रेट्स में दरहकीकत जो कितना कमी हो सकती है बिना मजिस्ट्रेट को देखे हुए। तो यकीनी तौर पर यहाँ पर जो फ्रूट के रेट हमें नज़र आए, वो फ्रूट के रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ केले पर थोड़ा दबाव है, और केला जो है उसके रेट ज़्यादा है, लेकिन ये कि केले के रेट ज़्यादा होने की वजूहत ये है कि मंडी में पीछे केला जो है वो कम है। बाकी ये कि रही महंगाई की बात, तो समोसे बिक रहे हैं, चिकन बिक रही है, सारी चीज़ें बिक रही हैं, लोग महंगा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं करते, यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं करते। लेकिन अगर फ्रूट में केले में अगर 5-10 रुपये का ऊपर हो जाता है तो लोग कहते हैं महंगाई हो गई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाम को जो चीज़ भी महंगी लगे उसका बायकॉट करें या उसका इस्तेमाल कम करें, तो यकीनी तौर पर जो है हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए कि डिमांड और सप्लाई इकोनॉमिक का सबसे बड़ा उसूल होता है। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपके साथ किसी और सब डिवीजन में मुलाकात करेंगे।